بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. الرحمن الرحيم. चलिए ठीक है, बच्चों को इतना एहसास हुआ यही बहुत बड़ी बात है। अब 99 में अल्लाह सुब्हान तआला क्या बता रहे हैं, फलम मा दखलू अला यूसुफा। अब आप काउंट करिए, ये जो है चौथा राउंड था, यानी चौथी दफा ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। जब ये सबके सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, उनके सामने आए, अवा इलैही, तो उन्होंने क्या किया, ठिकाना दिया उन्होंने, किसने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है वो ठिकाना दिया अपने पास अपने माँ बाप को। देखो अबा वही ही, अबा वा नहीं आना चाहिए था ना, अबा वही नहीं, सॉरी अबा वही नहीं आना चाहिए था, दो अब्बा अम्मा दोनों दो, या वालिदैन जिसको हम कहते हैं ना वालिदैन, अब वही नहीं था। असल में ये मुदाफ होने की वजह से नून हट गए यहाँ से, क्योंकि मुदाफ जो है वो लाइट होता है, नून एक्सेप्ट नहीं करता है, ओके, तो इसलिए यहाँ से नून हट गया। अब वही ही हो गया, अपने पेरेंट्स को उन्होंने जगह दी, कहाँ पर, अलल अर्शी। इतना खूबसूरत लगता है ना ये जुमला, रवैया देखिए, या यूसुफ अलैहिस्सलाम का उस वक्त जो है वो आप अखलाक देखिए। ये नहीं कहा अपने पेरेंट्स से, मैं यहाँ पे जो है वो मिस्र का बादशाह हूँ, मैं तख्त पे बैठूंगा, आप वहां जाके चेयर पे बैठिए। देखिए इस आयत से हर उस बच्चे को लेसन लेना चाहिए कि जिनको अल्लाह सुभान व तआला दुनिया में कोई रुतबा कोई अहदा दे देते हैं, और अगर पेरेंट्स गांव के हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं या फिर वो गरीब हैं, तो उन्हें अपने मिलने जुलने वालों के साथ लेवल में बिठाना पसंद नहीं करते। अल्लाह की पना, बहुत ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि बात करना पसंद नहीं करते पेरेंट्स से अपने मिलने जुलने वाले लोगों के सामने, और इस तरीके से रवैया इख्तियार करते हैं कि जैसे वो उनके पेरेंट्स है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं देखिए ऐसे किसी प्रोग्राम में जाती हूँ ना जहाँ पेरेंट्स और बच्चों का कुछ प्रोग्राम हो, मैं अक्सर ध्यान देती हूँ कि ये बच्चे, यानी कि नोटिस भी किया मैंने एक दो दफा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे प्रोग्राम्स कहाँ पर जैसे उनको अवॉर्डेड किया जा रहा है, कुछ उनके रैंक आए हैं कुछ ना, यू नो, तो बहुत मैं नोट करती हूँ कि वो बच्चे आगे 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 भागे चले जाते, पेरेंट्स को पीछे छोड़ देते, और ये रवैया मुझे बच्चों का बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज्यादा। इससे देखिए उनका अखलाक पता चलता है कि क्या तुम्हारा अखलाक है। होना ये चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को आगे आगे चलने दे, वो खुद पीछे रहे। इन चीजों को मैं बहुत नोटिस करती हूँ जब भी कोई भी किसी ऐसे प्रोग्राम में मुझे जाने का इत्तेफाक होता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल अखलाक के खिलाफ आते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने बेहतरीन कैरेक्टर के इंसान, अल्लाह के नबी, और उन्होंने अपने पेरेंट्स को अपने तख्त पर बिठाया, ये नहीं कि आप मेरे बाजू में बैठे रहे, अपनी जगह पर बिठा दिया। अब ये अखलाक देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम का, वाकई अगर आप चाहती हैं कि लोग आपके साथ ऐसा करें तो अपने अंदर ये अखलाक लाने की कोशिश करें। वखरू लहू सुज्जदा, और वो सब के सब गिर पड़े सजदे में उसके लिए। वो सब कौन, उनके सारे भाई। जो ये मंजर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो बोल पड़े, वकाल याबती, ऐ मेरे अब्बा जान, हाजा तावील रुया या मिन कबल, देखा ये मेरे ख्वाब की ताबीर है जो इससे पहले मैंने देखी थी। अल्लाह अकबर, قد جعلها ربي حقا, दर हकीकत उस ख्वाब को उसने पूरा कर दिखाया, किसने, मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। अल्लाह अकबर, देखिए ख्वाब कब देखा था, बचपन में, आफ्टर 40 ईयर्स ख्वाब उनका पूरा हुआ है। हमारा हाल क्या है, अल्लाह रात को ख्वाब देखे सुबह पूरा कर दे,
इतनी जल्दबाज, वैसे भी इंसान जल्दबाज है ही। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब 40 साल के बाद जाकर पूरा हुआ। और सोचिए 40 साल में जिंदगी का कितना उतार चढ़ाव। यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाइफ सी सो, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव। अल्लाह अकबर। सोचिए 40 साल के बाद वालिद से, वालदा से, बाकी भाइयों से मिले, पूरी फैमिली से मिले, और इस तरीके से जो है वो सोचिए कि आप अपने पेरेंट्स से 40 साल के बाद मिले, तो मैं समझती हूँ कि आप और अगले 40 साल लगा दें उनको अपनी स्टोरी सुनाने के लिए। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कहा वाकई बहुत काबिले तारीफ थी वो बातें। वक़्त देखिए, मुख्तसर सा 40 साल की जिंदगी के उतार चढ़ाव को उन्होंने एक जुमले में पिरो दिया। वक़्त आसना भी इज़ा अखरजनी, क्या कहने लगे अपने अब्बा से कि सॉरी शायद मैंने कुछ छोड़ दिया इधर, नहीं बराबर है। अबा वही ही, हाँ मैंने एक आयत छोड़ दी, सो सॉरी। अच्छा बस ये ऊपर की आयत ना आपने छोड़ दी थी। हाँ, एक मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद कुछ छोड़ दिया मैंने, एक आयत मिस हो गई, सो सॉरी। 99 पूरी नहीं थी हमारी। तो अपने पेरेंट्स को जब अपने पास बिठाया और ये कहने लगे वकालद खुलु मिस्र हुआ इंशाअल्लाह आमिनीन, आप सब के सब मिस्र आ जाएं, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत सुकून से अमन से रहेंगे। देखिए जरा, ये उस सवाल का जवाब है जो यहूदियों के वलगराने पे मुशरिकान मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था। बताओ बताओ, ये तो याकूब अलैहिस्सलाम तो किनान में थे, शाम में थे, ये मिस्र में कैसे आ गए? उनका सवाल था ये, बनी इसराइल तो वहां थी, यहाँ कैसे आ बसी? तो इट्स आंसर, ये है वो जवाब उनके सवाल का। अब आप देखिए कि सवाल का जवाब तो मिल रहा है ना उनको, लेकिन उनका रवैया देखते क्या है। चलिए अब क्या हुआ, हाँ अपने पेरेंट्स को उन्होंने, और उसके बाद अच्छा, वो रफा रफा थोड़ा सा मुझसे ही मिस्टेक हुई, सो सॉरी। जब वो उन्होंने अपने पेरेंट्स को अपने पास बुलाया, फिर अपने आर्श पे बैठाया, तो उनके भाई सारे सजदे में गिर पड़े, और फिर अपने पेरेंट्स अपने अब्बा से वो कहने लगे मेरे ख्वाब की ये तावील है। देखिए यही होता है, अगर आप अच्छे हैं तो दुश्मन भी आपकी तारीफ करेंगे। वक्त का उतार चढ़ाव जिंदगी में होगा जरूर, ये हो ही नहीं सकता है कि आप अल्लाह के करीब हो और दुनिया वाले यही छोड़ दें आपको। बहुत सारी बातों के ताने, और यानी देखिए जबानी भी, कौली भी, और मतलब फिजिकली भी, हर तरीके से आपको अज़ियत दी जाएगी। डिपेंड, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही हम देख रहे हैं किस किस तरीके से मेंटली फिजिकली कैसे कैसे उनको टॉर्चर किया गया, देखो जरा भी। उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी सूरत हमने पढ़ ली, कहीं कोई शिकवा शिकायत उनकी जबान पर नहीं आया किसी भी तरीके का। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए कि आप अपने आप में सब्र करते रहिए। आज अगर आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, कोई बात नहीं, आपको डी वैल्यू कर रहे हैं, आपके दुश्मन बने बैठे हैं, हसद कर रहे हैं, आपको अपने वालिद से दूर कर रहे हैं, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ किया था, सो व्हाट, एक वक्त जरूर आएगा कि ये जो यहाँ पर बात हुई कि जो वाकई, देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह पर तवक्कुल करते थे, पूरा बिलीव था अल्लाह पर उनको, कोई शिकवा शिकायत नहीं किसी भी तरीके से, और कितने खूबसूरत अंदाज में जो है वो अल्लाह सुभान ताला ने जो है वो मिलाया भी और उनको एहसास दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहीं पर भी अपने भाइयों को गिराकर बात नहीं किए। अल्लाह अकबर। देखिए हम, बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम ऐसा कुछ कर सके, बहुत मुश्किल काम है। हमें तो मौका मिलता तो हम चार बार सुना के आ जाते, किसी को छोड़ते भी नहीं है। अल्लाह से तौफीक मांगे, अल्लाह मुझे भी आपको भी ऐसी तौफीक दे कि लोगों की बातों को पी जाने वाले बने। देखिए मुमकिन मतलब मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, कोशिश हम कर सकते हैं ताकि अल्लाह सुभान ताला लोगों के दिल में हमारे लिए जो है वो मोहब्बत और इज्जत बरकरार रखे। अब जब वाली साहब मिले तो सोचिए जरा कि उन्होंने इतनी मुख्तसर से बात की, कहने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दर हकीकत एहसान किया, ठीक है, एहसान किया मुझ पर मेरे रब ने
यानी बता रहे हैं कि ये जो है मेरे रब का एहसान था मुझ पर जब उसने निकाला मुझे कैद खाने से और वो ले आया तुम सबको गांव से। उसके बाद किसके बाद, इसके बाद के उसने जो है वो सोसा डाल दिया था, झगड़ा डाल दिया था शैतान ने मेरे दरमियान और मेरे भाइयों के दरमियान। बेशक मेरा रब तो बहुत बहुत ही बड़ी बेहतरीन तदबीर करने वाला है, बहुत बारीक दीन है। छोटी से छोटी चीजों को अल्लाह सुबहान तआला नोट करते हैं, सब अल्लाह सुबहान तआला को पता है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया, इतनी सी बात बस अपने वालिद से करी, जरा अपने आप को रखें यहाँ पर, कोई आपसे आपका हाल पूछे तो अल्लाह की पना 40 साल आप उसको आगे का भी सुना दे कि अब देखो मेरे साथ ऐसा होने वाला है, अस्तग़फिरुल्लाह। और आप एक बात नोटिस करें, किसी भी बुरी बात का तस्करा नहीं है यहाँ पर, अपने वालिद से ही नहीं बोल रहे हैं कि मतलब मेरे भाइयों ने क्यों में डाल दिया, मुझे बाजार में बेच दिया गया था, औरतें मुझ पे डोरे डाल रही थी, फिर ऐसा मैं कायद खाने में चला गया, नथिंग। यानी इससे मुझे आपको क्या लेसन मिल रहा है, थिंक पॉजिटिव, बी प्रेजेंट एंड थिंक पॉजिटिव, हमेशा हाल में रहिए, पास्ट का गम मत करिए, फ्यूचर का खौफ नहीं होगा फिर आपको। आज इंसान फ्यूचर बनाने के चक्कर में, मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, मेरी इतनी प्रॉपर्टी बन जाए, उसी में अपने हाल को भी परेशान करके रखा है। आज भी वो जिंदगी सही से जी नहीं पा रहा है फ्यूचर बनाने के चक्कर में, पास्ट का गम क्या रखता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया पास्ट में, मेरी जिंदगी तो सारी ऐसी चली गई, मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका। अरे भाई अब मौका है, अब कर लो ना तुम्हें जो करना है, पास्ट का इतना क्यों गम और फ्यूचर का इतना खौफ क्यों होता है इंसान को। इतनी बेहतरीन बातें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है पॉजिटिविटी में ली उसको, क्या कि देखिए ये अच्छा हुआ था ना उनके साथ कि उन्हें कैद खाने से निकाल दिया गया था, बस वो उसी बात को लिया उन्होंने, अल्लाह का एहसान हुआ कि अल्लाह ने मुझे कैद खाने से निकाला। अरे भाई जब कैद खाने से निकले जबी तो आगे के मामला तो उनके सब दुरुस्त हुए ना। तो देखिए अपने अच्छे दिन को याद रखिए, और अच्छे दिन को आप याद रखेंगे तो अल्लाह के लिए शुक्र निकलेगा, बुरे दिनों को आप याद करते रहेंगे तो आज जो आपका अच्छा है ना उससे भी शुक्र नहीं निकलने वाला है आपका, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए कि डेफिनेटली कुरान इज रिमाइंडर, कभी हम कोई चीज भूल जाते हैं जब हम उसको फिर पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो फिर कुछ चीजें हमारे लिए जो है वो रिमाइंडर के तौर पर जो है याद दहानी के तौर पर बाकी सारी बातें हमारे सामने आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भूली बिसरी चीजें हो जाती हैं जो वाकई वापस से एक ईमान ताजा होता है, कुछ अमल की अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से जो है हमें तौफीक मिलती है, कोशिश होती है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए उनके भाइयों ने जो कुछ भी कहा या उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उन्होंने उसका क्रेडिट शैतान को दिया, अपने भाइयों को ब्लेम नहीं किया, ये शैतान के करतूते थी, ये शैतान की चाले थी जो मेरे और मेरे भाई के बीच में उसने झगड़ा लगा दिया था, अल्लाह अकबर। देखिए अगर आप ऐसे लड़ाई झगड़ों का रीजन किसी और को बनाएंगे तो शैतान को खुश कर रही हैं आप, अगर आप इसका ब्लेम शैतान को ही देंगे तो वो नाराज होगा आपसे, दोबारा आप पर काबू करने की भी कोशिश नहीं करेगा। तो कोशिश करें ऐसा कि कभी भी ऐसा कुछ मामला हो गया, और होता है देखिए इंसान है, रिश्तेदारी में समाज में रहता है, हो जाता है भाई बहनों के साथ में रिश्तेदारों के साथ में, लेकिन जब हम पढ़ते हैं अल्लाह के कलाम को सुनते हैं समझते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे सामने आ जाती है। होता है कभी बोलते मैं तो उनके साथ इतना अच्छा कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ, देखिए फर्क होगा आपके बीच आपके और जो अल्लाह के कलाम को नहीं समझ रहे उनके बीच है। आप बोलेंगे इट्स ओके जाने दो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से ही कोशिश कर रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, लेकिन ये देखिए कि फिर उसके बाद किसी किसी को क्या लगता होगा इस तरीके से कि ये क्या बात हो गई, मतलब एक तरफ से ही कोशिश क्यों। तो वो इसलिए कि जो आपको मिल रहा है अल्लाह के कलाम से वो अगले बंदे को नहीं मिल रहा है, ये चीजें आपके अंदर सब्र पैदा करेंगी इंशाल्लाह। ठीक है चलिए, फिर अल्लाह सुभान व तआला बहुत बेहतरीन तदबीर करने वाला है, और ये पढ़ने से ज्यादा हमारा अकीदा इसके पर होना चाहिए, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। देखिए अल्लाह सुभान व तआला जिसके लिए प्लान कर दे तो उस प्लान को कोई फेल नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा ईमान इस चीज पर ठुका हुआ रहना चाहिए। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, यस डेफिनेटली अल्लाह सुभान व तआला का जो प्लान होता है वो इल्म और हिकमत के बेस पे होता है। इंसान का इतना सा मगज इतना सा दिमाग वो अल्लाह की हिकमतों को कहाँ समझ सकता है। अपने आप को पूरी तरीके से अल्लाह के हवाले कर दें, आपके साथ कोई कुछ करता है क्या है उसको छोड़ दें, और अल्लाह सुबहान तआला से जो है बेहतरीन उम्मीद रखें। अब देखिए बिल्कुल एंड ऑफ द स्टोरी खत्म,
अगली अगली एक आयत में यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेसिकली स्टोरी खत्म हो रही है। आगे की जो रुकू होगा वो इंशाल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला मुखातिब होकर कह रहे हैं। लेकिन आखिरी आयत अब देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया गया, खजानची बना दिया गया, उनके पेरेंट्स उनके पास आ गए और जो है हर चीज की इतनी रेल पेल हो गई, उनके भाई उनके साथ हैं और इतनी मोहब्बत से रह रहे हैं। आप सोचोगे वाओ व्हाट ए लाइफ। यस डेफिनेटली बंदे मोमिन को बहुत इंतजार करना पड़ता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल के मुताबिक कि बुरे हालात में भी अच्छे हालात अच्छे दिन का इंतजार करना ये इबादत में शुमार कर दिया जाता है। और कितनी प्यारी हदीस से देखिए आप, अगर किसी बंदे के हालात बुरे हैं ना तो वो शिको शिकायत ना करें हाय अल्लाह तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, बल्कि वो अल्लाह से उम्मीद रखते हुए कि डेफिनेटली इंशाल्लाह मेरे अच्छे हालात आएंगे। ये रवैया, ये पॉजिटिविटी यकीन करिए कि बहुत जल्द अल्लाह सुभान व तआला उन हालात को भी खत्म कर देते हैं। इसी तरीके से आपसे आप बीमार हैं तो भी आपसे कोई खैरियत ले रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी तकलीफ है अच्छी हो जाऊंगी, ना कि हाय मुझे ये तकलीफ है हाय मुझे। बताइए आप किसी से कर भी रही है शिकवा शिकायत तो वो क्या कर लेगा बंदा आपके लिए, क्या कर लेगा? आपको जो शिकवा शिकायत करना है अल्लाह के सामने करें। और बिल्कुल भी यानी कि ये अच्छे हाल यानी आप सोचिए कि वो हालात जो आपके बुरे हैं जब तक आप उसमें रहेंगे गोया कि आप इबादत की हालत में हैं। देखिए यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी से हमें चीज पता चल रही है। अब सबको अच्छा लगेगा, अब क्या चाहिए, क्या जरूरत है यूसुफ अलैहिस्सलाम को, एवरीथिंग दे हैव, सब उनके पास है, उनके भाइयों के पास है, उनके वालिद के पास सब कुछ है। ये ही होता है, देखिए लोगों की नजर बंदे मोमिन पर होती है लेकिन बंदे मोमिन की नजर अल्लाह पर टिकी रहती है। जैसे कि 101 में अल्लाह सुभान व तआला बता रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बज़ाहिर तो सबको ऐसा लग रहा है कि इनके पास सब कुछ है लेकिन वो अल्लाह सुभान व तआला से दुआ क्या कर रहे हैं, रब्बी कद अतई तनी, कि ऐ मेरे रब तूने मुझे बहुत कुछ अता किया, ये बादशाहत दी तूने मुझे और तूने मुझे ख्वाब की तावील करना बात के अंजाम तक पहुंचना जो है वो सिखाया। फिर क्या है, फातिह समावाती वल ऐ पैदा करने वाले आसमान और जमीन के, तू ही मेरा से दुनिया में और आखिरत में। कितनी प्यारी बात है, देखे कि अपने आओ रब का रखकर जो है वो रहना चाहते हैं, मैं रब का बनकर रहना चाहता हूँ, मैं दुनिया वालों का बनकर रहना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत दुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हुआ करता था। यहाँ से है ना, फातिर अर्द अंत वीरा मुस्लिम दुआ को रोज पढ़ा करो, इतनी खूबसूरत दुआ है। आप सोचेंगे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लेकिन जो चीज वो मांग रहे हैं, देखिए तवफ्फनी अल्लाह तौफीक दे मुझे, मेरे साथ ये मामला कर तू कि मुझे तौफीक दे कि मैं हमेशा मुसलमान होकर जीऊं, वह अल्हिकनी बिस्सालिहीन, या तू मुझे मुसलमान की हालत में वफात देना, यानी दोनों तरीके से आप ले सकते हो, मेरी मौत भी आए तो मैं मुसलमान की हालत में रहूं और मुझे नेक लोगों में शामिल करना। सुभान अल्लाह, आमीन या रब्बी। देखिए इन दुआओं को अपनी दुआओं में शामिल करके देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसको पढ़ा करते थे। यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अपने रब पर नजरें टिका कर रखी और अपनी, कहने का मतलब ये देखिए कि ठीक है अल्लाह सुभान व तआला ने आपको दुनिया अता की है लेकिन बंदे मोमिन और एक जो है वो कहना चाहिए अकलमंद जो इंसान होता है वो आखिरत की फिक्र लगाए रहता है, मेरा एंड क्या होगा, व्हाट्स माय एंड। ठीक है आज समाज में मेरा नाम है, इज्जत है, सब कुछ है, देखिए आप जो है वो बिल्कुल ऊपर की कुछ आयतें हैं जो ऊपर गई पेरेंट्स के ताल्लुक से। कुछ लोग जो है ठीक है अपने पेरेंट्स को छोड़कर या अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करके वो दुनिया में नाम शोहरत इज्जत सब कुछ हासिल कर सकते हैं लेकिन वो अल्लाह के कुर्बत और जन्नत कभी हासिल नहीं कर सकते, क्यों अपने पेरेंट्स को दूसरों के सामने जलील करते रहें और वो सोचे कि हम जन्नत के हकदार हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार से हमें यही मिल रहा है,
देखे यहाँ पर, आखिरत की फिक्र इस कदर थी उनको, ठीक है अल्लाह तूने मुझे बहुत दुनिया दिया, लेकिन तवफनी, मेरी मौत जो है वो कुफ्र पर ना आए, शिर्क पर ना आए, बल्कि मैं मुसलमान की हालत में मरूं। और हर बंदे मोमिन ये तमन्ना करता है, अल्लाह जब भी मरूं मुसलमान की हालत में रहूं। और मुसलमान कौन होता है? अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना, सरेंडर कर देना, कंप्लीटली अल्लाह का हो जाना और नेक लोगों में शामिल करना, यानी इतना सब कुछ होकर भी आखिरत की फिक्र लगाए। बस खत्म यहाँ पर स्टोरी। अब एक बात बताएं आप, पूरी स्टोरी खत्म हो गई, एक आयत भी नहीं आई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह उस औरत से हो गया जो उनपे डोरे डाल रही थी, आया कहीं पर भी? लोग समझते हैं ओहो अच्छा किस्सा यूसुफ है तो बड़ा रोमांटिक कुछ होगा इसके अंदर, है कुछ रोमांटिक इसमें? एक आयत भी नहीं आई कि मतलब दुल्हन को इसको पढ़ने के लिए कहो तो उसका चेहरा नूरानी हो जाएगा, या फिर प्रेगनेंसी में अगर औरत पढ़े तो बच्चा बड़ा खूबसूरत होगा। अरे अल्लाह की पनाह, कुछ औरतें ऐसी होती बाकायदा लिस्ट तैयार करती, अल्लाह मेरे बच्चे की नाक ऐसी हो, उसका मुंह ऐसा हो, उसका सर ऐसा हो, उसका हाथ ऐसा, उसका पैर ऐसा। अल्लाह अकबर। देखिए पूरी सूरत में, यहाँ पर तो खैर एंड हो गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का, देखिए यहाँ पर कि कहीं पर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के जाहिरी खूबसूरती का बिल्कुल तस्करा नहीं किया गया, बल्कि उनकी बातिनी खूबसूरती की तरफ इशारा किया गया कि वो मुखलिस बंदे थे, वो सब भी करने वाले थे, शुक्र करने वाले थे। हाँ ये हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट लेडी या दुल्हन अगर इस सूरत को समझ ले तो अपने अखलाक को निखार ले, वो उसका होने वाला बच्चा इतने अच्छे किरदार का इंसान बन सकता है इंशाल्लाह। तो देखिए समाज में ये बातें बहुत आम है, बेकार सी बातें सारी ये, ऐसे कोई आपके सामने बात कहता है तो बस एक ही बात आप कहें कि मेहरबानी करें सूरह यूसुफ को तर्जुमा से पढ़ लें, ताकि आपको खुद ब खुद जो है वो बातों का खुलासा हो जाएगा। इसी के साथ कुछ लोगों जो है इस बात को भी मतलब उछालते हैं कि नाउज़िल्ला, अल्लाह आलम। देखिए मैं और आप बिल्कुल हकदार नहीं इस चीज के कि हम ऐसी बातें करें अल्लाह के नबी के बारे में कि उस औरत का बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया था। देखिए हमें क्या करना है इन सब चीजों से, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप कहीं अगर ऐसी कोई स्टोरीज पढ़े तो अवॉइड करें इन सब चीजों को, इग्नोर करें, बिल्कुल भी अवॉइड करें इन बातों को। जो लेसन हमें लेना है उसके पीछे पड़े रहें, ना कि ये सब बिल्कुल चिपड़ी छुपड़ी बातें और ऐसी बिल्कुल बिल्कुल कोटिंग की भी बातें होती है, तो इग्नोर करें इन सब बातों को। और अल्लाह सुभान व तआला क्या देना चाहते हैं सूरह यूसुफ से उसको लेने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह व आखिरी दावान यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم अब अल्लाह सुभान तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल एंड में ये जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुल हाजी सबीली अदउ इल्लाह, ये मुशरिक लोग जहां जाते इनको जाने दो, बल्कि आप इनको जो है एक मैसेज दे दो, कॉमन मैसेज, ये मेरा रास्ता है, मैं पुकारता हूं अल्लाह की तरफ। अब यहां पर देखिए कि कुछ लोगों को गलती क्या लगती है कि सबीली मतलब जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, नहीं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह नहीं गया है, बल्कि अल्लाह सुभान व तआला ऑर्डर दे रहे हैं ना, आप ये कहो ये मेरा रास्ता, दैट मीन्स अल्लाह सुभान व तआला बोल रहे हैं कि ये मेरा रास्ता है, और आप ये कहो कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। यस, बहुत प्यारी बहुत ही खूबसूरत आयत है, उम्मीद है कि आपको बात समझ आ जाए, और यकीन करिए इस आयत के बाद आपके अंदर बहुत तसल्ली पैदा होगी, इतनी धारस एक गर्स आएगा आपको लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का इंशाल्लाह। देखते हैं इस आयत में मुझे और आपको पर्पस ऑफ लाइफ बताया जा रहा है, क्या होना चाहिए मेरी आपकी जिंदगी का मकसद, सिंपल वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद था, क्या है वो? कॉलिंग टूवर्ड्स अल्लाह, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बन जाओ। यकीन करिए कि मैंने कहा ना कि कुरान इज डेफिनेटली रिमाइंडर, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी आयतें हैं जो वाकई मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, या कुछ आयतों की वजह से अल्लाह ने मेरी जिंदगी बदल दी, उनमें से एक आयत ये है, मैंने कब से अपनी जिंदगी का मकसद लोगों को जो है वो अल्लाह की तरफ बनाने का बनाया इस आयत के बाद।
कि अल्लाह सुभान व तआला ने खुद कहा है कि तुम क्या करो, लोगों को मेरी तरफ बुलाओ। इससे देखिए कि जो मैंने अपने चैनल का नाम रखा है ना, लिखा है, तो बहुत सोच समझ के मैंने उस चैनल का नाम रखा है और इरादा किया था कि अल्लाह सुभान व तआला ने कभी भी मुझे अपने दीन की खिदमत का मौका दिया तो मैं अपनी क्लास है, चैनल है, या जो भी मेरा इंस्टीट्यूट होगा, मैं उसका नाम यही रखूंगी, अल कुरान व हयाती, कुरान मेरी जिंदगी है। यस, पहले न जाने किसको किसको हम अपनी जिंदगी बना बैठे थे, अब लेकिन कुरान मेरी जिंदगी है। क्योंकि देखिए, ये कुरान जब आप इसको अपनी जिंदगी बनाएंगे तो ये आपको कब्र में, हशर में, सब जगह जो है वो काम देगा। और उसी के साथ साथ जो मैंने एक सेंटेंस ऐड किया, जो देखिए कि बिल्कुल शुरुआत में जो आता है बिस्मिल्लाह के बाद, द वे टू कनेक्ट विद अल्लाह सुभान व तआला, अल्लाह सुभान व तआला से दुआ करती है, अल्लाह ऐसी बातें तू लोगों तक पहुंचाने की तौफीक दे जिससे लोग तुझसे जुड़ जाए, तेरा उनसे जो एक रापा, जो एक कनेक्शन, जो एक लूज हो गया है या बिल्कुल नहीं है, वो तुझसे जुड़ जाए। यही मकसद है। अल्लाह सुभान व तआला बेहतरीन तरीके से जानते हैं मेरी मकसद हयात, अब मैंने क्या बना लिया। इसलिए देखिए, मैं दूसरी चीजों को बिल्कुल अहमियत नहीं देती। भाई जब मकसद मुझे कुछ हासिल करना है तो मुझे पार्ट टाइम जॉब नहीं चाहिए अल्लाह सुभान व तआला के दीन के लिए, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला पार्ट टाइम जॉब पसंद भी नहीं करते अपने दीन के लिए और ना ही उसको एक्सेप्ट करते। अल्लाह सुभान व तआला बोलते फुल टाइम के लिए मेरे हो जाओ, तुम मेरे हो जाओ फुल टाइम के लिए, फिर देखो मैं तुम्हारे वक्त में कैसे बरकत दूंगा। अल्लाह अकबर। ठीक है, चलिए, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम लोगों को अल्लाह की तरफ, मेरे रास्ते की तरफ बता जो है वो बुलाओ। और ये क्या है, ये जो है अला बसीर बसीरा, ये जो मैं तुम्हें इस रास्ते की तरफ बुला रहा हूँ तो ये समझ बूझ के मुताल्लिक ये बातें हैं। और क्या है, हाँ, अनब अमानत मनी तवानी, और जो, ठीक है, और जो भी मेरी पैरवी करेगा, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते पे कौन कौन चल रहा है। सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को कहा है कि जो मेरे रास्ते पे चलेगा, ये सूझबूझ की बातें हैं, ये बसीरत की बातें हैं, विजडम की बातें हैं अल्लाह के रास्ते में, और इस रास्ते पर वही चलेगा जो मुझे फॉलो करेगा। कितनी प्यारी बात है, देखिए, यानी कि देखिए ना, एक बात जो है, यानी कि वो कहते हैं ना, एक शेर मुझे याद आ रहा है यहाँ पर, कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन के सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, कि अल्लाह मेरी जिंदगी का मकसद है कि बस तेरा जो दीन का काम है वो करते रहूं करते रहूं करते रहूं, और इसीलिए, यानी मैं मुसलमान हूं तो मेरी जिंदगी का मकसद भी यही होना चाहिए। आज मुसलमानों ने तो अपना मकसद हयात कुछ और ही बना लिया है। और उससे भी प्यारी बात, वो सुभानअल्लाह, और अल्लाह सुभान ताला पाक है, वमा अना मिनल मुशरिकीन, बहुत गर्व चाहिए आपको पता है ये जुमला कहने के लिए, और मेरा मुशरिकों से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, मुशरिक है आपके अंदर। और ये जुमला कहने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए आपको कि आप मुशरिकों से ये कहें, भाई तुम मुशरिक हो अल्लाह की आयत के मुताबिक, तो मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। एट लास्ट देखिए, एक बंदे मोमिन जब किताब और सुन्नत पर चलना शुरू करता है, अल्लाह से उसका कनेक्शन हो जाता है। आप आयतों का रास्ते देखिए ना जरा, कैसे अल्लाह सुभान ताला ने जुमलों को पिरोया है। जब आप अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएंगी, जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगी, उसके बाद बेतहाशा आपकी जबान से अल्लाह की बड़ाई निकलेगी, अल्लाह की पाकी निकलेगी, और लोगों से आप ये कहेंगे, भाई मुशरिकों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आज इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, अपने अंदर ये गर्व पैदा करें। आप बोलोगे, नहीं बाबा, मेरा तो सारा खानदान ही मुशरिक है, मैं सबको छोड़ दूंगी तो कहाँ जाऊंगी बाजी, आप तो कुछ भी समझाते रहते हैं। तो ठीक है, बताइए फिर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले लीजिए, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लीजिए, नूह अलैहिस्सलाम को ले लीजिए। आज अल्लाह ने इन्हें दर्जात क्यों दिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों से ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले लीजिए, क्या कहा था उन्होंने, जब वो अपने पैदी जो उनके उनके साथी थे उनसे क्या कहा, मैंने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दिया है और ऐसे लोगों की इत्तिबा करनी छोड़ दी जो अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर यकीन नहीं रखते, बल्कि मैं अपने जो तौहीद परस्त मेरे बाप दादा थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, मैं उनकी पैरवी करता हूँ। देखिये जरा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था। यस, डेफिनेटली खानदान का कल्चर छोड़ना पड़ता है, बाप दादा का कल्चर छोड़ना पड़ता है, अगर वो सही दीन पर नहीं है तो।
तब जाके कहीं आपको जो है वो बहुत ही बुलंदी का मकाम अल्लाह सुबहान तआला दुनिया और आखिरत में अता करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला बोले, वमा अरसलना मिन कबल इल्ला रिजाल, और नहीं हमने भेजा आपसे पहले, ऐसा नहीं कि आपसे पहले हम किसी भी जो है वो नबी को नहीं भेजे या वही नहीं करते थे, नहीं करते थे, इल्ला मगर रिजालन नूही इलैहिम मिन अहली कुरा, मगर हम मर्द पर ही वही किया करते थे उनकी तरफ उनके ही बस्ती वालों में से। ये दलील है इस चीज की कि औरतें कभी भी रसूला या अंबिया नहीं बनी, नबुवत रिसालत औरतों में से किसी को नहीं दी गई, ये बहुत बड़ी दलील है इस चीज की। इसी आयत के बेस पर हम जो है हजरत मरियम को अलैहि सलाम नहीं कह सकते हैं, बस हजरत मरियम कह रहे रिस्पेक्टिवली, क्योंकि वो कोई मतलब अंबिया में से नहीं थी और रिसालत उन्हें नहीं दी गई थी। हजरत बोले मर्द को ही वही दिया करते थे हम। और एक बात बताओ, फलम यसीरु फिल अर्दी, क्या ये लोग जमीन में चलते फिरते नहीं है क्या? फिर देखे जमीन पर, फिर देखे कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का उनसे पहले, हाँ जो इनसे पहले लोग थे उनका क्या अंजाम हुआ। और अलबत्ता आखरत का घर जो है वो बेहतर है उन लोगों के लिए जो परहेजगारी इख्तियार करें। क्या तुमको अक्ल नहीं है, तुमको समझ में नहीं आती है बातें, कितने खूबसूरती से अल्लाह सुभान तआला बता रहे हैं यहाँ पर। ऐसे लोग जो सिर्फ दुनिया में मौज मस्ती करने आए हैं, अल्लाह के आयतों पर गौर फिक्र नहीं करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि जो लोग अल्लाह को अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, उनका अंजाम अल्लाह सुभान तआला ने क्या किया। देखिए और यहाँ पर खुशखबरी उन लोगों को दी जा रही है, वलदारुल आखिरा, और डेफिनेटली आखिरत का घर तो बहुत खैर है उसमें बेहतर है, लेकिन नॉट फॉर एवरीवन, ये भी सोच लो, ये सिर्फ और सिर्फ उसको मिलेगा आखिरत का घर जो अल्लाह का डर इख्तियार करता है, जो अपनी जिंदगी अल्लाह से डरते हुए गुजारता है। देखिए आज ये जो आयत का लास्ट वाला हिस्सा है ना, दिन पे चलने वालों को आज लोग क्या बोलते हैं, हाय बेचारा, तो कितना बदअकल है, इसको तो अकल ही नहीं है। अल्लाह ताला किसको बोल रहे हैं, जो लोग सैर करते हैं जमीन में चलते फिरते हैं लेकिन गौर फिक्र नहीं करते हैं, अल्लाह ताला उनको बोले तुमको अक्ल नहीं है क्या। देखिए अल्लाह की आयत के मुताबिक जो दीन पे नहीं चलता है वो बेवकूफ है, अल्लाह की आयत के अकॉर्डिंग सूरह बकरा में भी इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल शुरू में बात दी गई है। तो हम तो भाई अल्लाह की आयतों पर बिलीव करेंगे ना, और दीन पर चलने वाले को समाज बेवकूफ कहता है, बड़ा बेवकूफ है, इतना मॉडर्न जमाना है, पर्दा करती फिरती है, ये क्या है, इतने इतने फास्ट फूड चले हैं और इनको तो देखो तो ये सब खाती ही नहीं है क्या, जब देखो जब हलाल 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 करते रहती हैं, इनको मिस जो है वो गैदरिंग पसंद नहीं, इनको पार्टीज पसंद नहीं, इनको ये डेज बनाना पसंद नहीं, बड़े बेवकूफ लोग हैं ये। ठीक है भाई बेवकूफी सही, कोई बात नहीं, हमको तो अल्लाह की नजर में अच्छा बनना है, तुम्हारी नजर में अच्छा बन के कौन सा हमको निर्माण लेना है। ठीक है तो देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला बोल रहे तुमको अकल नहीं है, अकल का इस्तेमाल नहीं करते हो तुम, कि तुम्हें बार बार बताया जा रहा है कि मुझसे डरते हुए जिंदगी गुजारो ताकि आखिरत का घर मैं तुम्हें दूं, अल्लाह अकबर। ठीक है चले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बता रहे हैं हत्ता इज़ा स्तई असर रसूलो, अच्छा अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि यहाँ तक के जब मायूस हो जाते थे रसूल और उन्होंने ये भी सोच लिया था कि दर हकीकत उनसे झूठ कहा गया है, तो फिर उनके पास हमारी मदद आ जाती थी, अल्लाह अकबर। मैंने देखिए कि जब रसूल कोई पैगाम लेकर आते थे या अपने कौम के उम्मत के लोगों को बोला करते थे, हाँ ये मायूसी कौम के ईमान लाने से हुई है, मतलब कि ऐसे कौम के लोग हैं और उनको दावत दी जा रही है लेकिन बिल्कुल भी वो मान नहीं रहे हैं, और तो रसूलों को मतलब थोड़े मायूस हो जाते थे कि क्या हो गया है अल्लाह सुब्हान तआला, मेरे दावत में कोई कमी है क्या, ये लोग क्यों ईमान नहीं लेकर आ रहे हैं, यानी रसूल लोग ऐसा गुमान करते थे कि शायद इनसे जो है वो झूठ बोला गया है। अभी देखिए कि एक अगर पढ़ने के एतबार से इस आयत के कई मफहूम बयान किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे मतलब मुनासिब जो मफहूम है ना, यानी देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वन नो राइट, वन नो उन लोगों ने सोचा, यानी कि ऐसा ये किसको कहा गया है, कुफार को कहा गया है, वन नो कुफार के लिए गया है। ये कौन से कुफार थे, जो रसूलों की बात नहीं मानते थे, ठीक है,
रसूल पैगाम पहुंचा रहे हैं, वो रसूल भी ये सोच रहे हैं कि हम इनको इतना पैगाम पहुंचा रहे हैं तो क्या हो गया, ये लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे हैं। तो ये कुफार जो है ये क्या सोचते थे कि हमसे झूठ बोला गया है, झूठ बोला गया इन द सेंस कि इनको जो रसूलों ने अजाब की धमकी दी है और वो अजाब क्यों नहीं आ रहा है। रसूल जो है बोल देते थे ना कि भाई तुम अगर ईमान नहीं लाओगे तो तुम पर अजाब आएगा। तो लोग सोचते थे अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, हम तो देखो इनकी कितनी नाफरमानी कर रहे हैं, फिर भी जो है हम पर, हमारे ऊपर कोई भी इनकी धमकी का असर नहीं हो रहा है। ये धमकी इसलिए दी जाती थी ना उन्हें कि वो पहले से डरे, लेकिन जब ज्यादा लेट हो जाता था और ये ख्याल करते थे कि अजाब तो अब आएगा ही नहीं, अजाब तो आएगा नहीं बल्कि पैगंबर लोग जो है हमसे झूठ बोलते हैं। अरे बात समझे, इस तरीके से आयत को समझने की कोशिश करें। और नाउज़िला पैगंबरों को बोलते थे ये कुफार लोग रसूलों को, तुम झूठ बोल रहे हो, कोई अजाब हम पर आने वाला नहीं है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये कोई झूठा वादा नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आपके कौम पर अजाब में जो ये लेट हम कर रहे हैं, आपके कौम पर जो अजाब नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी ताखीर हो रही है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पिछली कौमों पर भी जो है बहुत बड़ी बड़ी ताखीर जो है वो की गई थी, बहुत ज्यादा उनको ढील दिया गया था। इस तमाम चीजों में देखिए कि अल्लाह सुभान ताला की तरफ से उसकी हिकमत है और हिकमत के मुताबिक ही उन्हें खूब मोहलत दी गई है। इतनी मोहलत दे दी जाती है उनको कि रसूल अपनी कौम के ईमान से मायूस हो जाते थे, मतलब कि क्या हो गया, ये लोग ईमान क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं और इस तरीके की बातें जो है नाउज़िल्ला। तो दोनों तरीके से हम ले सकते हैं कि कभी कभी रसूल ये सोचते थे कि क्या हो गया, ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं फिर भी अल्लाह सुभान ताला इनकी पकड़ नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह सुभान ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखिए कि ये जो बात आई है कि यहाँ तक के आ जाती है हमारी मदद, यानी अल्लाह सुभान ताला फिर अपने वादे को सच्चा करके और ईमान वालों को और रसूलों को बचा लेते थे। ओके, आगे बात क्या है, फनुजी आया ना, देखें फिर हम बचा लेते हैं जिसे हम चाहते हैं। यस, डेफिनेटली अल्लाह सुभान ताला जब अजाब भेजते हैं तो जिसे चाहते हैं बचा लेते हैं, और नहीं टाला जा सकता हमारे अजाब को मुजरिम लोगों से। ये फाइनल फाइनल डिसीजन अल्लाह सुभान ताला की तरफ से। और इसे भी देखिए, दरअसल अल्लाह के उस कानून के मोहलत का बयान किया गया है जो वो नाफरमानों को देता है। कुछ लोग वो ना गुनाह करते रहते हैं अल्लाह सुभान ताला की पकड़ ना आए तो दे फील वेरी हैप्पी, हो हमारे पर तो कोई अजाब नहीं। अल्लाह ताला बोल रहे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ, यहाँ तक के इस बारे में अपने पैगंबर की ख्वाहिश के यानी कि जो भी पैगंबर की ख्वाहिश होती थी ना बता दिया जाता था उन्हें कि तुम तो चाहते हो कि इनके ऊपर अजाब आ जाए, लेकिन पैगंबरों की ख्वाहिश से कौम पर कभी भी अजाब नहीं आया, बल्कि अल्लाह सुभान ताला ने जब चाहा कौम के लोगों को अजाब दिया। यस, यहाँ पर देखिए कि फिर उसके बाद आपको ताजुब होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के किसी भी कौम की हलाकत का कोई जिक्र नहीं है। यस, डेफिनेटली कुछ कौमों का मिन कब्ल आया ना, मिन कब्ल हिम, उनसे पहले कई कौमों के साथ अल्लाह सुबह ताला ने बहुत मामलात किए। क्योंकि देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के घर वाले का जो तारुफ यहाँ पे कराया जा रहा है, वो कैसे, जिस तरीके से एक अंबिया एक रसूल से पूरी उम्मत पूरी कौम के लोग सुधर जाते हैं, यहाँ पर सारे उनके फैमिली के लोग ही उनकी उम्मत थे उनके कौम थे, तो इस तरीके से जो है वो बताई जा रही बात। ठीक है, चलिए, अल्लाह ताला बोल रहे हैं एक दफा अगर हमारा अजाब मुझे लोगों पर गुनहगार लोगों पर आ गया तो उसको कोई भी टाल नहीं सकता है। ठीक है, अल्लाह की पकड़ से जो है वो बचने की कोशिश करें। अल्लाह सुभान ताला हमें ढील दे रहे हैं, अभी भी हम अगर किसी गुनाह में मुलविस हैं तो उससे हटने की उससे बचने की कोशिश करें इंशाल्लाह। मजीद अल्लाह ताला आयत नंबर 111 में क्या बता रहे हैं, यकीनन है उनके किस्से में इबरत नसीहत अकलमंद वालों के लिए। तो क्या पता चला, देखिए मैंने पढ़ा आपने सुना, अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से क्या इबरत ली। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बहुत इबरत लिया, से बहुत लेसन लिया मैंने, बहुत नसीहत ली यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो है किस्से से, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत से। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अभी देखिए एक कॉमन मैसेज आप तक जा रहा है, मैं जो बोल रही हूँ आप जितने लोग भी जुड़े हुए हैं ज्वाइन हुए हैं सबको सेम आवाज जा रही है। ऐसा नहीं कि आप में से किसी को कुछ सुनाई दे रहा हो कुछ सुनाई दे रहा है, ऐसा
अच्छा बोल रहे हैं अकल वाले इबरत लेते हैं। अगर अभी भी आप में से किसी ने अगर यूसुफ अलैहि सलाम के किस्से से कोई भी नसीहत नहीं ली, कोई भी लेसन नहीं लिया, तो आप इस चीज को बिना झिझक एक्सेप्ट कर ले कि आपके अंदर अकल नहीं है। आप बोलोगे क्या बाजी, आपको क्या पता मैं कितनी अकल वाली हूँ, मेरे शोहर बोलते मैं बहुत अकल वाली हूँ, मेरे बच्चे बोलते बहुत अकल वाली हूँ। हाँ ठीक है, आप होंगे समाज की नजर में बहुत अकल वाली, अल्लाह की नजर में आप बिल्कुल अकल वाली नहीं है। अगर हर वो शख्स जो अल्लाह की आयतों से इबरत नहीं लेता है, लेसन नहीं लेता है, देखिए स्टोरीज जो सुनाई जाती है उसके पीछे मजा लेना नहीं होना चाहिए, नहीं ना ही टाइम पास होना चाहिए, बल्कि हमें लेसन लेना चाहिए। मॉरल स्टोरीज क्यों सुनाई जाई जाती है, ताकि हम कुछ ना कुछ जो है वो लेसन हासिल करें उससे। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जो भी किस्से मैंने आपको बयान किया तो उसमें नसीहत है अकल वालों के लिए। मा कान हदीस युफ्तरा, और ये भी सुन लो कि ये जो कहानी है ये बातें कोई घड़ी भी बनाई भी नहीं है। समझ रहे हो आप यूसुफ अलैहि सलाम के किस्से में से जो है वो जू का तू, मैं ये नहीं बोल रही कि आप उसे मिर्च मसाला लगाए और इतना छटपटा कर दें कि अगला बोले भाई फेक अंपा कर रही है, कुछ भी बोलती है, इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु तआला बता रहे हैं इसमें एक भी बात जो है वो घड़ी भी नहीं है, दैट मीन्स इट्स नॉट ए फैब्रिकेशन, फैब्रिकेट किया हुआ कुछ भी नहीं है, फिर क्या है। अरे ये नहीं है तो कुछ तो होगा ना। हाँ लेकिन तस्दीक अल्लज़ी बैना यदैही व तफ़सील कुल शैइन व हुदा व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून, क्या है फिर इसके अंदर, अल्लाह की किताब में क्या है। लेकिन ये तस्दीक करती है वो जो इससे पहले, जो पहले की जो किताबें थी या पहले के जो अंबिया थे उनकी बातों की तस्दीक करती है, यानी उसको वेरीफाई कर रही है। ओके उसको सच बता रही है, उसको वेरीफाई कर रही है। एंड अदर थिंग इज कि इसके अंदर हर चीज का बयान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप 13वें सिपारे के मिड में हैं। और आप ये सोचिए कि अब तक आपने जो भी 13 सिपारा जो पढ़ा, 12 सिपारा पढ़ा, तो अब तक आपको कितनी चीजों की तफसीलात मिल चुकी होगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु तआला खुद फरमा रहे हैं कुल्ल शैइन तफसीला कुल्ल शैइन, हर चीज की तफसील है। मुझे तो बहुत मिली अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं पता आपको मिली या नहीं मिली, चलिए ठीक है तफसील तो है फॉर एवरीवन, लेकिन लेकिन समथिंग स्पेशल इन दिस बुक एंड दैट इज वहुदा व रहमा, इसमें हिदायत भी है और रहमत भी है, लेकिन नॉट फॉर एवरी वन, लिकौमी उमिनून, हर उस शख्स के लिए है जो ईमान लाता है। क्या पता चला इससे, यानी कुरान जिसमें किस्से यूसुफ और दूसरे भी कौमों के स्टोरीज वाकयात बयान किए गए हैं, कोई भी झूठ नहीं इसके अंदर, कोई ये ना सोचे, बल्कि पिछली किताबों की वेरिफिकेशन करती है और इसमें जो है दीन के बारे में सारी जो भी जरूरी बातें बताई गई हैं, तफसीलात बताई गई है ना, और ईमान के लिए, ईमान वालों के लिए इसमें जो है हिदायत और रहमत है। देखिए जरा, दीन की तफसीलात चाहिए कुरान समझ लीजिए, हिदायत चाहिए कुरान समझ लें, रहमत चाहिए कुरान समझ लें। अब आप सोचेंगे, अब आपके एक सवाल का जवाब मिल रहा होगा कि अच्छा अच्छा वो फुला के लिए मैं इतना तड़पती थी उसको हिदायत मिल जाए, अब समझ में आया उसको अभी तक हिदायत क्यों नहीं मिली। भाई क्यों नहीं मिली, कब मिलेगी हिदायत, जब आप जो है इस पर पूरी तरीके से समझकर अमल करेंगी। इस पर सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, आप कहें हाँ आई नो आई नो आई नो, ये अल्लाह की किताब है बुक ऑफ द अब्बा, नहीं इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको पढ़ के इस पर जो है अमल करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपके लिए हिदायत का सोर्स और रहमत का सोर्स बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत सूरत थी। यकीन करिए कि जब मैंने इसको शुरू किया तो मेरा दिल कर रहा था खत्म ही ना हो, मैं पढ़ाती रहूं किससे यीशु पढ़ाती रहूं, बिल्कुल भी ये खत्म ही ना हो, मुझे तो बड़ा दिल दुख रहा है कि ये पूरी हो गई सूरत। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये पूरा सूरत पूरी होगी तभी तो हम अगली सूरत पर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना दिल को ठंडा करके गई ये सूरत जो है, कितना कुछ हमें जो है सिखा गई। अब मुझे आप लोगों से सुनना है इंशाल्लाह आपने इससे क्या सीखा। ये हम तकरीबन 15-20 दिन से जो है वो ये सूरत ले रहे हैं, तो ये 15-20 दिन में आपकी जिंदगी में
क्या चेंजेस आए सही यूसुफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुभान ताला ने जो भी इसमें सब्र शुक्र और जो भी यानी कि जज्बात पे काबू करने की बातें सिखाई हैं और रिश्तेदारियों को निभाने के जो इतने खूबसूरत अंदाज यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए सिखाए हैं अल्लाह सुभान ताला ने, एक पेरेंट्स की कैसे हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, देन इसके बाद भाइयों के साथ बहनों के साथ क्या मामला करने चाहिए, अपने साथियों के साथ कैसे हमें बिहेवियर हमारा रखना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और जज़ाकुमुल्लाहु खैर वाखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اغفر لي ولي والدي للمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته। अल्हम्दुलिल्लाह जो है सूरह यूसुफ में हमने जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को इख्तिताम तक देखा। नॉर्मली देखिए कि जो किस्से कहानियां होती हैं उनका एंड जो होता है उससे बहुत ही मुख्तलिफ जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का एंड हुआ, बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत दुआ पर जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का इख्तिताम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा इसमें कि किस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ात से अल्लाह सुब्हान ताला ने ना सिर्फ उनके वालिद को उनके भाई को बल्कि पूरे बनी इसराइल जो उस वक्त था अबीला कुंबा जो भी था बनी इसराइल का सबको बहुत ज्यादा दुनियावी फायदा पहुंचा। और अल्लाह आलम फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके नस्लों में से किसको फिर नबी बनाए और आगे ना जाने अल्लाह सुब्हान ताला ने दीन की जो क्या क्या दौलतें उन्हें अता की होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बंदे मोमिन ऐसी होता है उसको दूसरों से कोई गर्ज नहीं होता है, अगर वो कभी किसी के लिए कुछ करता है तो रिटर्न में उसे कुछ लेने की उम्मीद नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वो पूरी नजरें अल्लाह सुभान ताला की तरफ लगाए हुए रहता है, जो देना है मेरा रब देगा, मुझे इंसानों से कोई भी उम्मीद नहीं है, होना भी यही चाहिए। अपनी जात से उन्होंने इतने लोगों को फायदा पहुंचाया लेकिन रिटर्न में कभी किसी से कोई सवाल नहीं किया उन्होंने। देखिए ऐसा जैसे कि आज के टाइम पे ये कहा जाए कि सारे बनी इसराइल को मिस्र का वीजा मिल गया था फ्री ऑफ कॉस्ट, तो देखिए कि किसी की जात से अगर इतना बड़ा फायदा पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला से कि अल्लाह सुब्हान ताला मेरी जात से कभी किसी को तकलीफ ना हो, रंज ना हो, कभी किसी का नुकसान ना हो, चाहे वो दीन का हो दुनिया का हो, लेकिन स्पेशली मेरी जात से कभी दीन का कोई नुकसान ना हो, कि मेरी जात से जो है वो किसी के दीन का नुकसान हो, किसी के ईमान का नुकसान हो, किसी भी तरीके का नहीं, बल्कि आप जो है देखिए फायदा पहुंचाने वाले बने। क्योंकि बंदे मोमिन की मिसाल एक दरख्त की तरह दी जाती है, दरख्त जिस तरीके से देखे कि अपने साय से लोगों को फायदा देता है, अपने फ्रूट से लोगों को फायदा देता है, बंदे मोमिन भी ऐसा ही होता है। आप कहो कि अरे हमारे जहन में तो एक बंदे मोमिन की तस्वीर है, वो तो लोगों को नुकसान ही पहुंचाते रहता है या दुख ही देता रहता है, तो वो उसकी ईमान की कैफियत तो वो नहीं है जो अल्लाह को मतलूब है। अल्लाह सुब्हान ताला को बहुत ही खूबसूरत जो वो अखलाक चाहिए, दीन चाहिए, जो बहुत ही कम लोगों में जो है वो मिलता है। ठीक है चलिए अब देखिए इख्तिताम हो गया, वही अंदाज जो हर सूरत के आखिर में होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातिब होकर अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते ज़ालिकम मिन अंबाइल गैबी नुहीही इलैक, ये है गैब की खबरों में से हम वही कर रहे हैं आपकी तरफ। चले लीजिए और एक दलील के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म होता तो ये देखिए कि जब मुशरिकाने मक्का ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा भाई बताओ ये बनी इसराइल शाम से मिस्र कैसे आ गए, ये तो सब वहां किनारे बसे हुए थे, यहाँ कैसे आ गए, तो पूरी पूरी सूरत
पूरा किस्सा उस सवाल के जवाब में नाजिल किया गया और एक ही स्ट्रेच में नाजिल किया गया। उस दौर की बात है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन थे। देखिए, अगर आपके पास कोई अपना दुख सुनाता है, कोई अपने जो है वो तकलीफ शेयर करता है आपसे, एंड आपको कोई भी आइडिया नहीं सूझ रहा है, आप उनको सूरह यूसुफ समझा दें, समझाते उन्हें सूरह यूसुफ। जब आप उनको समझाएंगे तो देखिए कि पूरी सूरत मुझे और आपको ये लेसन दे रही कि बुरे हालात से कैसे लड़ना चाहिए। बंदे का दिल ठंडा हो जाता है। यस, तो कोशिश करें कि बिल्कुल भी कोई दुख में है, तकलीफ में है, तो आप उसको ताकीद करें कि एक काम करें, आप सूरह यूसुफ सुन लें, चाहे वो किसी की भी आप सुन लें, और उससे जो लेसन मिलेगा उससे बंदे को बहुत ज्यादा सब्र आ जाता है। ठीक है, अल्लाह का कलाम ही पूरा सब्र वाला है। आप जो भी आयतें सुनेंगे आपको सब्र आएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि इस तरीके से जो है वो, यानी कि हालात से लड़ना आपको आ जाएगा, रिश्तेदारों से आपको जो है वो कैसे फेस करना है वो एक सलीका आ जाएगा, ये तमाम बातें इंशाल्लाह जो है वो आ जाएंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान तआला बोल रहे हैं ये गैब की खबरें हैं, हम वही के जरिए आपको बता रहे हैं। यस, ये गैब की खबरें थी, और आप तो थे भी नहीं उनके पास जब वो सारे भाई जमा हो रहे थे अपने काम को अंजाम देने में, और वो मकर कर रहे थे। उन्हें जो करना है उस काम के लिए जब वो जमा हुए तो उस वक्त आप थे भी नहीं, एंड यू डोंट नो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाइयों ने क्या किया, तो हमने आपको बताया। अब देखिए कि होता क्या है, क्या होता है पता है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे। किस बात को लेकर? कि जब उन्होंने अल्लाह सुभान व तआला से वही के जरिए फिर से यूसुफ सुना तो इसलिए खुश थे कि चलो भाई ये जो है सरदार यहूद जो है, यहूद के बड़े बड़े आलिम जो है, इन्होंने ये क्वेश्चन किया था और अल्लाह सुब्हान व तआला ने तो मुझे इसका जवाब बता दिया, अब मैं इन्हें जो है वो जवाब जवाब बता दूंगा और ये सारे लोग ये मान ले आएंगे। ये सोच उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, इसलिए अल्लाह सुब्हान व तआला जो है आयत नंबर 103 में बोल रहे हैं, और नहीं अक्सर लोग अगर से तुम चाहते हो तो भी वो नहीं ईमान लाने वाले। ये है असल बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या सोचा, यानी कि आप जो है अल्लाह सुब्हान व तआला पिछले वाक्या से आगाह फरमा रहे हैं आपको ताकि उन लोगों को जो है वो इबरत हासिल करें, वो जो है अल्लाह के नबी का, अल्लाह के रसूल का रास्ता इख्तियार करें। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने किस्सा सुनाया कि देखो तुम्हें क्या रवैया इख्तियार करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला बोल रहे हैं कि आप क्या सोचते हो कि ये किस्सा आप उनको सुना दोगे तो एकदम से वो आपके ऊपर ईमान ले आएंगे, आपकी बात मान जाएंगे? नहीं, अल्लाह सुब्हान व तआला ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। ये बस इनकी डिमांड थी, यूं ही इन्होंने सवाल किया था। लेकिन उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बहुत ज्यादा गमगीन थे, क्योंकि उसको आमुल हुज्न जो कहा जाता है, यानी कि गम का साल, यानी वो उस वक्त उस साल में जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब जो थे उनका इंतकाल हो गया था कुछ कुछ महीने के वक्फे पर, बहुत ज्यादा गमगीन थे। तो अल्लाह सुब्हान व तआला तसल्ली दे रहे हैं कि देखिए कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो क्या पता चला देखिए कि अगर आप किसी को दीन की तरफ बुला रहे हैं और वो आपके सामने कुछ कंडीशन रख रहे हैं, यकीन करिए वो कभी नहीं आएंगे। आप उनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे कर दें, आप उनके ख्वाहिशात को पूरे कर दें, तब भी वो नहीं आएंगे। यस, क्योंकि देखिए जिसे मानना है या जिसे अल्लाह का कलाम समझना है या फिर जिसे दीन की तड़प है, उसको अल्लाह के रास्ते की तड़प है, तलाश है, हक की तलाश है, तो डेफिनेटली वो तो किसी भी तरीके से जो है वो एक कॉल पे आएगा आपके। देखिए हक की तलाश में जो बंदा होता है ना, यकीन करिए एक कॉल पे वो जो है वो अल्लाह के रास्ते में आ जाता है। जिसे मानना नहीं है या जिसे अहमियत नहीं है, आप उसको सालों साल बुलाते रहे, और मैं समझती हूँ कि आपने, आप में से हर किसी ने इस चीज का एक्सपीरियंस किया होगा। यस डेफिनेटली, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मुझे पता चला, मुझे सीखने सिखाने का बहुत ज्यादा बचपन से बहुत शौक था, बहुत सारी चीजें अल्लाह सुब्हान तआला ने जिंदगी में सिखवाई, अल्लाह ने बहुत तजुर्बे करवाए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस दिन मुझे क्लास का कॉल मीन्स इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसी भी कोई क्लास चलती है या फिर ऐसा जो है वो कुरान का तर्जुमा जो है वो सिखाया जाता है,
अल्हम्दुलिल्लाह कि बीच में एक संडे का गैप आया, सैटरडे मैंने कोई एग्जीबिशन जो है वो अटेंड किया था, वहां से मुझे जो है वो पैम्पलेट मिला था इसका अरबी क्लास का अपने डॉकयार्ड का। देन बीच में एक संडे का दिन बड़ा भारी पड़ा मुझे, क्यों आया बीच में ये संडे, मुझे अभी के अभी जाके एडमिशन लेना है। मंडे जो ही जो क्लास का जो वक्त दिया गया था फौरन ही मैं गई और मैंने एडमिशन ले लिया। और उस वक्त यकीन करिए ना, मेरी तिलावत अच्छी ना तर्जुमा, तो तर्जुमे का ताव भी नहीं आता था, कभी पढ़े ही नहीं थे ना स्कूल में ना कॉलेज में कहीं भी नहीं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, असल में ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम में अल्लाह ने लगाया बेहतरीन तरीके से अल्लाह ने करवाया, हमारी कोई ताकत कुवत नहीं होती किसी काम को अच्छे तरीके से करने की। सीखने सिखाने का शौक तो था ही, चलो भाई एक और कोर्स कर लेते, हम तो ये सोच कर आए थे। बिल्कुल अनजान, मुझे नहीं पता यहाँ मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्या सीखने वाली हूँ, लेकिन दिल दिमाग बिल्कुल खाली। अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफा ही अल्लाह ने जो सिखाया अपनी किताब से सिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो समाज तो न जाने क्या क्या दिन हमारे सामने पेश करता है, फिर कवारियत की बात करता है, अपने जो है जमात की बात करता है, अपने ग्रुप की बात करता है। अल्लाह का शुक्र है इन बलाओं से अल्लाह ने पहले से ही बचा के रखा है। देखिए अगर आप भी इससे बचेंगी तभी अल्लाह के कलाम को सही से सीख पाएंगी, क्योंकि अल्लाह की किताब फिर कवारियत नहीं सिखाती है, और जो शख्स इसमें पढ़ जाता है वो सीख भी नहीं सकता इसको। और ये मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रही, ये फैक्ट बता रही हूँ, अल्लाह सुब्हान तआला खुद बोल रहे हैं। दिलो दिमाग को तुम्हें खाली करना पड़ेगा, पहले आए थी जारिकल किताब उला रहे कह दिया गया है, तो फिर मुझे और आप कोई भी जो है वो तासुब लेकर अल्लाह की किताब को हम नहीं सीख सकते। नहीं बाबा मैं सही, मेरा ग्रुप सही, मेरा मेरा मेरी जमात सही, मैं तो बाबा मेरे को नहीं सीखने का है, हमारी जमात वाले तो बिल्कुल इसके खिलाफ बात करते हैं, हमारे जो है वो मसलक वाले तो बोलते सीखने का ही नहीं। अल्लाह का मैं बहुत एहसान मानती हूँ कि इन इन बेकार चीजों से अल्लाह ने बहुत बचा कर रखा। आगे आए तारी इसके ताल्लुक से, इसलिए मैं आपसे बातें कर रही हूँ। और न जाने कितने कितने अकीदे में बिगाड़ और सब चीजें। तो देखिए जो शख्स हक का तलाश ही होगा, हक की तलाश में होगा, एक कॉल आप उसको दीजिए कि अल्लाह का कलाम सीखना है, दौड़ा चलाएगा। लेकिन जिसको नहीं सीखना है, जो तासुब में जी रहा है, अपने बाप दादा के कल्चर पर खुश है, अपने कुंबे वालों के दीन पर खुश है, अपने जमात वालों के दीन पर खुश है, वो कभी नहीं सीख सकता इसको, क्योंकि पहले से ही दिमाग में सब कुछ भरा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे अल्लाह ताला, आप क्या सोचते हो कि आप चाहेंगे तो वो लोग ईमान ले? नहीं, वो लोग ईमान नहीं लेकर आएंगे, आप कितना भी चाह लो। और देखो ना, वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजर, आप तो उनसे कोई फीस भी नहीं लेते हो, आप तो कोई उनसे उजरत भी नहीं मांग रहे हो, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं आते कि भाई चलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह दावत दीन का काम कर रहे तो बहुत ज्यादा फीस रखे हैं कि मुझे ये पे करो वो पे करो, नाउजुबिल्लाह ऐसी तो कोई बात भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोग ये जो है बात नहीं मान रहे। आपको अल्लाह ताला बोल रहे इट्स ओके, कोई बात नहीं, इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, कोई बात नहीं, ये कुरान नहीं, ये कुरान मगर सिर्फ एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए। देखिए कितनी बड़ी दलील है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, दीन इस्लाम सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, जो मुसलमान कब्जा करके सांप बन के बैठा हुआ है उसके ऊपर, वो सोचता है इस पर सिर्फ मेरा हक है। हाँ, अल्लाह की पनाह की मुसलमानों में भी कुछ दीनदार ऐसे हैं या कुछ आलिम ऐसे कि वो सोचते नहीं, अल्लाह की किताब बोले तो सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जागीर है, इससे आम लोग तो इनका कोई इख्तियार ही नहीं है, कहते लोग ऐसा। और उस पे भी सोने पे सुहागा, चलिए औरतें औरतें तो इतनी बेअकल होती, वो तो अल्लाह के कलाम को कभी सीख भी नहीं सकती, वो तो समझ भी नहीं सकती है, ऐसे लोग बातें करते, पता है आपको खुद हमारे सामने की बात है। औरतें तो बिल्कुल इससे सीखना नहीं चाहिए, सीख नहीं सकती है। कुछ स्टूडेंट भी हमारे आए थे क्लास में, वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे कि भाजी इस क्या है अल्लाह के कलाम में। देखिए बंदे का अखलाक सुधर जाता है, अल्लाह पे तवक्कुल बढ़ जाता है, दुनिया उसकी समझ जाती है, आखिरत समझ जाती है। लोग न जाने क्यों औरतों को सीखने के लिए मना करते, भाई ठीक है फिर जाहिलियत में रखनी रखिए अपनी औरतों को, मत सिखाइए, वही बाप दादा के कल्चर पे चलने दीजिए, नस्लें बिगड़ेंगी आपकी और क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यही होगा और कुछ नहीं होगा। जब आप अल्लाह के कलाम को घर की औरतों को सिखाएंगे जब भी, तो आपकी नस्लें जो है वो बेहतरीन होंगी ना। कोशिश करें कि इस तरीके से, और देखिए जिक्र लिल आलमीन है, आप सोचो कि तमाम जहान वालों तक तो कौन जाए बाबा अभी ये मैसेज पहुंचाने को। देखिए जिम्मेदारी मेरी है आपकी है, इससे होगा क्या, जब हम दूसरों तक अल्लाह के कलाम को पहुंचाएंगे तो लोग जो है कुरान से जुड़ेंगे, अल्लाह से जुड़ेंगे। यस,
और मैंने आपसे कहा ना कि बुरे हालात से लड़ना सिखा रही है सूरत, तो पूरा कुरान कितना खूबसूरत है, देखिए जरा आपके सामने कोई भी। और देखिए कि बोलते ना जब लोहा गर्म होता है जब उस पर हथौड़ा मारना चाहिए, है ना, कहीं भी बात है ना ऐसे लोग कहते जो, दैट मीन्स कि हालात देखकर इंसान से बात आप करें ना, बहुत ज्यादा अगर गम में है कोई इंसान, देखिए मेरी आपकी बात नहीं है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह सुभान व तआला ने ही किया, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला ने जिस मखलूक को पैदा किया उसके साइको को अल्लाह सुभान व तआला जानते अच्छे से। ये हालात से लड़ने वाली सूरत अल्लाह सुभान व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब दी, जब वो खुद बहुत हालात के मारे हुए थे। यकीन करिए कि मुझे तो खैर बहुत कुछ सिखा गई सूरह यूसुफ, मुझे नहीं पता कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। वैसे मैसेज मैंने डाला था आपको कि आप फीडबैक दीजिएगा इंशाल्लाह, आराम से सोचिए आपके पास कल का दिन है परसों का दिन है, देन मंडे के दिन हम जो है फीडबैक लेंगे और इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे और दूसरों तक भी उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बोलोगे हम अकेली जान, मैं बेचारी इतनी छोटी सी, मैं कैसे सारे जहान वालों तक बिल्कुल इसको पहुंचा सकूं, तो कर सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह सोर्स ऑफ मीडिया हमारे पास है आज, इसका सही इस्तेमाल करें आप। एक ग्रुप बनाइए आप किस्से यूसुफ के नाम पर, और हम लोगों ने जो अभी पूरा सूरत किए है ना इसको हम लोग अपलोड करेंगे इंशाल्लाह यूट्यूब पर, और उसको आप जो है वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्या पता कि आपका एक क्लिप न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो एक ग्रुप आपको किस्से यूसुफ के नाम पर बनाना है इंशाल्लाह, आगे क्या करना है वो इंशाल्लाह देखते हैं, अभी मत बनाइएगा थोड़ा रुक कर, ठीक है। फिर क्या क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम जो है वो, और किसी को देखिए कि इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास है, उसका सेट बना के आप सीडी में सेट करके या किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है किसी सूरह यूसुफ सुन के लोगों के दिल में पूरा कलाम सीखने की तरह पैदा हो जाए कि जब एक सूरत हमें इतना कुछ सिखाती है तो पूरा कलाम न जाने क्या क्या सिखा जाएगा हमें और कितने खजाने इसके अंदर होंगे, ठीक है। ये देखिए फिर उसके बाद जो है वो जिसका भी आप ऐसा आपको ऐसा लगे कि अरे बेचारा बहुत दुखी है, बहुत इसका दिल टूटा हुआ है ना, आप सूरह यूसुफ ये सूरत उनको गिफ्ट के तौर पे दीजिए, कुछ तो अलग कीजिए ना इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे अल्लाह सुभान व तआला क्या फरमा रहे 105 में, वकअय्यिम मिन आयत आयतिम फिस समावाति वल अर्द, जरा अपने पर गौर करिएगा, ठीक है। ओके वल अर्दि यमुरून अलैहा वहुम अनहा मुअदून, मैं ऐसी तो नहीं हूं, और कितनी ही निशानियां हैं आयतें हैं आसमानों और जमीन में, इतनी निशानियां हैं आसमानों और जमीन में, उसके बावजूद वो सब क्या करते हैं, गुजरते हैं इस पर से, इस जमीन पर से गुजरते हैं, निशानियों से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी मुंह फेरते रहते हैं। बताइए जरा, देखिए जमीन और आसमान में बेशुमार चीजों का वजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पर तो ये आयत जो दलालत करती है कि एक एक से पैदा करने वाली जात है जिसने हर चीज को वजूद वजूद में लाया है, बख्शा है वजूद, और एक अल्लाह सुभान व तआला एक बेस्ट प्लानर भी है। ऐसा नहीं कि अल्लाह सुभान व तआला ने दुनिया बनाई और नाउज बिल्ला, कुछ लोगों का अकीदा है जैसे कि अल्लाह सुभान व तआला ने दुनिया बनाई है देन अर्श की तरफ जो है वो टर्न ऑफ हो गया और उसने अपने कुछ पर्टिकुलर औलियाओं को जो है इस जमीन का इस निजाम का सिस्टम चलाने को दे दिया है। देखिए अपने अकीदे को दुरुस्त करें जो लोग ऐसा सोचते हैं, ये देखिए कि एक छोटी सी बात क्या इंसान की अकल में नहीं आती है, हैरत होती है मुझे ऐसी बातों पर कि जो रब पूरी दुनिया बना दिया है क्या वो चला नहीं सकते हैं नाउज बिल्ला, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह वी नो कि किसी भी चीज को बनाना मुश्किल है उसको चलाना मुश्किल नहीं है। फिर मैं फिर आपको वही एग्जाम्पल दूंगी जो पहले दिया करती थी, आपके हाथ में इस वक्त मोबाइल फोन है, आपके घर में टीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास फोर व्हीलर होगा टू व्हीलर होगा, आप इसको चला सकती हैं, आप इसको बना नहीं सकती है, नो सोचिए जरा। तो जो रब सारी दुनिया बना के इतनी दुनिया का सिस्टम नहीं चला सकता है, अकीदे दुरुस्त करे ऐसे मुसलमान जो ऐसा सोचते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, अल्लाह सुभान व तआला निजाम चला रहे हैं इस दुनिया का और इतना खूबसूरत तरीके से कि कभी भी जो है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है सारी चीजों में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। वक्त पर अल्लाह सुभान व तआला के हुक्म से दिन निकल रहा है, वक्त पर रात हो रही है, वक्त पर अल्लाह सुभान व तआला जब चाहते बारिश बरसाते, ईच एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मैसेजेस दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें आप, और अपने ऊपर भी गौर करें। मैं अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करती हूँ,
इस जमीन पर मैं चल रही हूँ, उस दरख्त को मैं देख रही हूँ, गौर फिक्र किया कर। देखिए, एक शख्स 1000 रकात नमाज अगर नफिल नमाज पढ़ता है, उससे बहुत ज्यादा उसको अजर मिलता है, उस शख्स को जो अल्लाह की आयतों पर गौर फिक्र करता है। आयतें अल्लाह की किताब की आयतें भी हो सकती है, और आयतें निशानियों में भी जाता है वो भी हो सकता है, दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। देखिए, गौर किया करो, अल्लाह सुब्हान तआला बारिश कहाँ से बरसा रहे हैं, ये पौधे कैसे हैं, देखो झड़ जाते हैं लेकिन दोबारा उस पर दरख्त आ जाता है, इंसान मर के दोबारा जिंदा नहीं होता है, यानी ये बहुत सारी निशानियां इसके अंदर है। ठीक है, ये आयत तो इतनी जबरदस्त है ना कि मैं कहती हूँ कि अगली कुछ आयतों को तो आप ऐसा दलील के तौर पे लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। कुछ मुसलमान जो इस चीज का इनकार करते हैं, शिर्क कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम शिर्क नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हान तआला तो खुद फरमा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से कि वमई उमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह। देखिए, और नहीं ईमान रखते हैं अक्सर वो लोग अल्लाह पर, ऐसा नहीं है कि वो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। देखिए, माया है, पहले जो है नेगेटिव बात है, उसके बाद अल्लाह के बाद जो है वो पॉजिटिव बात है। यकीन करिए कि पहली दफा जिस इस आयत को जब मैंने समझा था ना, दिमाग हिल गया था अंदर से कंप्लीटली, एकदम शॉक्ड, इतनी मैं शॉक्ड हुई थी, मुझे नहीं पता आप वो महसूस कर रही है जो मैं महसूस कर रही हूँ। इल्ला वहुम मुशरिकून, मगर के वो मुशरिक है। इससे बड़ी दलील एक मुसलमान को क्या चाहिए? अल्लाह सुब्हान तआला खुद कह रहे हैं कि मुसलमानों में भी मुशरिक भरे पड़े हैं। देखिए जरा, या रब्बी, गवाही है इस चीज की, कुछ लोग मुसलमान होने के बावजूद भी वो मुशरिक होते हैं। मुसलमान ही तो अल्लाह को मानता है ना, हिंदू तो मानता नहीं, वो तो कंप्लीटली इनकारी है, हर चीज का इनकारी है, अल्लाह रहम करे। चलिए ठीक है, ये तो अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन यकीन करिए लोग मानते नहीं है इस चीज को, वो करते वही है जो एक नॉन मुस्लिम कर रहा है, वो सारे अमल वो करते हैं और कहते हैं भाई हम शिर्क थोड़ी कर रहे हैं। तो भाई बताओ फिर अल्लाह की इस आयत का मतलब क्या है? अगर आपसे कोई बहस करे ना, इस आयत को रेफरेंस दे दीजिए आप, अल्लाह सुब्हान तआला तो खुद फरमा रहे हैं मुसलमानों में भी मुशरिक भरे पड़े हैं। कौन होगा जो किताब और सुन्नत से हटके काम करेगा? वो सारे लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे। मस्जिद आयत नंबर 707 में क्या बता रहे अल्लाह ताला, ये शिर्क तो कर रहे हैं, अफा अमीनु अन याती हूँ गाशिया, क्या वो बेखबर हो गए इस बात से, इतने बेखबर हो गए कि उनके ऊपर जो है गाशिया यानी छा जाने वाली जो है उनके ऊपर अजाब आ जाए अल्लाह की तरफ से। देखिए, गौर करने की बात क्या है, मुशरिकों को हर वक्त अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन जहां तक मैंने अल्लाह के कलाम से सीखा है, शिर्क दिल में बहुत खौफ पैदा करता है। एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ के अलावा बाकी सारी चीजों का उसके अंदर खौफ होता है, समाज का डर, लोगों का डर, बिरादरी का डर, कुंबे वालों का डर, और अपने जॉब का डर, इसका डर, उसका डर। वो नहीं अपने अंदर खशियत पैदा करता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खशियत पैदा नहीं करता है। हतरा बोरे बेखबर हो गए इस चीज से, इतने बेखबर हो गए कि ये शिर्क करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, और अल्लाह तआला बोले इनके ऊपर अचानक छा जाने वाली आफत आ जाए, अल्लाह का अजाब आ जाए, या आ जाए कयामत अचानक से और उन्हें खबर भी ना लगे। यस, कयामत कोई आपको पहले से पहले नोटिफिकेशन नहीं देगा, जैसे आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आता है, नो कि बी रेडी एवरीवन, 2 दिन के बाद कयामत आने वाली, चलो भाई सब लोग सुधर जाओ, अभी नमाजी हो जाओ, जिसके इसके हुकूक है उसको अदा कर दो। नो, इट्स सडनली, ये बिल्कुल बग़दतन आएगी, एकदम अचानक। ऐसी आयतों पे खौफ आता है कि अल्लाह उस वक्त मैं कहाँ रहूंगी, अल्लाह जिस वक्त कयामत आएगी। देखिए, आप सोचेंगे ओहो बाजी आपकी क्या इतनी लंबी उम्र होगी, क्या कयामत तक आप रहेंगे? तो देखिए, मेरी मौत आई तो मेरी कयामत आ गई, मैं तो उस पर भी गौर करती हूँ। अल्लाह जिस वक्त मेरी मौत आ गई, मैं किस हाल में रहूंगी, मैं कहाँ रहूंगी? वो चीजें फिर हमें जो है इस सोच पर लाती है कि अल्लाह खात्मा बिल खैर कर, ईमान पर खात्मा कर, और इस हाल में मरू कि तू मुझसे राजी रहे। और देखिए, अगर ऐसी दुआएं मांगना जायज नहीं होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ सांस से बचने की दुआएं क्यों बताते हैं? या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है वो पनाह मांगते थे कि मतलब आफत की मौत से, डूब कर मरने से आग की मौत हो, यानी आग से जल जाने से मौत हो, ऐसी सब मौतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पनाह मांगा करते थे। तो अपनी फिक्र करिए, कुरान का हर 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 सूरत या कुरान की हर आयत आपको अपनी फिक्र लगाती है।
या रब्बी कि अल्लाह मेरा अंदर सुधर जाए ताकि मैं तेरे पास आऊं, तो कैसे आऊं? कल्ब सलीम लेकर। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला बोलते हैं, सोचिए जरा, एक इंसान यानी कि इस दुनिया में इतनी बेखबर की जिंदगी जो है वो जी रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे की जो बात है, देखिए क्या अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ये भी बहुत प्यारी आयत है, इंशाल्लाह इसमें क्या मैसेज है देखते हैं इंशाल्लाह।